हेलो, मेरा नाम नसीब है, मैं 16 साल का हूँ। मेरे परिवार में टोटल 4 जन थे, मैं, मेरी दो सिस्टर, मेरी मॉम हाउसकीपिंग का काम करती है। मैं अभी 9th का पढ़ाई कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि पास होकर तब पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे रहा, पर अभी ध्यान दे रहा हूँ। और 40 बस में आने से पहले मैं ऐसे खेलता था, बहुत इंजरी हुआ। फिर 40 बस स्टार्ट हुआ तो सर बताए कि ऐसे बिना फुटबॉल में बहुत सारे रूल है, वो मुझे मालूम था। 40 बस में आगे मान पड़ा फुटबॉल में कौन से रूल है, कैसा खेलते, पासिंग, बॉलिंग, टचेस मालूम पड़ा मुझे। और पढ़ाई के बारे में बताया कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो अभी ध्यान दे रहा हूँ मैं। और जो हमारा हमें इतना भरोसा नहीं था कि हम लोग खेल पाएंगे, पहला मैच भी जीत पाएंगे कि नहीं। हम लोग बहुत नर्वस थे, एक तो हमारे पास कीपर भी नहीं था, कीपर नहीं था उससे हम लोग और नर्वस हुए थे कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। फिर हम लोग फाइनल में आके हार गए, रनर अप आए। पर हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग बिना कीपर के भी इतना अच्छे खेले। अगर कीपर है तो हम पक्का फाइनल ही मारते, पर नहीं था। हम लोग के सर भी बोले कोई नहीं, बहुत अच्छा खेले, गुड वन, बहुत सपोर्ट मिला। अगर हम लोग को ऐसे और मैचेस मिलेंगे तो हम लोग इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। थैंक यू 40 बस, थैंक यू। और मेरा लाइफ करियर कि मुझे करने गए, मेरा सपना है कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर बनूँ, पर शायद ही बन पाऊँगा क्योंकि इतना मिलता नहीं सबको, और मेरा उतना है भी नहीं गेम। फिर मैं ट्राई करूँगा कि अपने गेम पे ध्यान दूंगा और खुद मेहनत करूँगा गेम पे कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर बन पाऊँ, नहीं तो एक कोच ट्राई करूँगा कि मैं एक कोच बनूँ। थैंक यू 40 बस, थैंक यू। हाय, मेरा नाम प्रकाश राज है, मैं 17 साल का हूँ। मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरे फैमिली में टोटल 6 मेम्बर्स है। डैड हाउसकीपिंग का काम करते हैं, मेरा ब्रदर HP कंपनी में काम करता है, और मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। अभी 40 बस के बारे में बताया, 40 बस में आके मेरा गेम बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। मेरे को अच्छे अच्छे कोचेस फ्रेंड्स मिले, मैंने 40 बस में आके इम्प्रूव हुआ कि मेरा गेम बहुत अच्छा होने लगा। पहले मेरा गेम नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग को रूल्स है सब सिखाए कैसे से। उसके बाद जो हमारा टूर्नामेंट के बारे में पता था, हम लोग को 40 बस से एक अपॉर्चुनिटी मिला कि जो हमारा टूर्नामेंट का, तो सर ने हम लोग के लिए हम लोग को सिलेक्शन करे 5-6 जन हम लोग टीम में से 40 बस से। तो हम लोग को बिलीफ नहीं हुआ कि हम लोग को इतना अच्छा टूर्नामेंट का अपॉर्चुनिटी मिल सकता था। और हम लोग टूर्नामेंट में गए थे, जो हमारा टूर्नामेंट था, तो उधर बहुत मुंबई की अच्छी अच्छी टीम थी। हम लोग मैचेस खेला, नर्वस थे हम लोग मैचेस में, तो हम लोग कभी भी हार नहीं माने, हम लोग खेले। उसके बाद अच्छे अच्छे सी टीम आ रही थी, हम लोग ने सेमीफाइनल लास्ट में फाइनल तक गए, लेकिन फाइनल में आके हम लोग को बहुत बेकार फील हुआ कि हम लोग इतना मेहनत करके आए फाइनल में, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए। तो हम लोग के सर बोले चलेगा, पहला अपॉर्चुनिटी है और तुम लोग को मिलेगा, तुम लोग के वैसे तुम लोग के सीनियर वाले लोग को भी अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हम लोग के सर ने ऐसा बोले, तो हम लोग बोले ठीक है, अभी अगली बार मिलता है तो हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी, हम लोग इससे भी अच्छा करेंगे करके हम लोग कोशिश करते कि फ्यूचर है कि मैं एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनूं। थैंक यू 40 बस।